brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए ये हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ इब्राहिम रईसी को आखिरी विदाई देने के लिए तेहरान पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज भारत की तरफ से जगदीप धनखड़ तेहरान पहुंचे और वहां पर उन्होंने इब्राहिम रईसी के साथ साथ उन तमाम लोगों को अंतिम विदाई दी जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए थे। आपको बता दें कि तबरीज से तमाम पार्थिव शरीरों को तेहरान लाया गया है और यहां से मशहद ले जाया जाएगा जो कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का होम टाउन है। विदेशी मेहमानों के लिए आज खास तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां तमाम विदेशी मेहमानों और तमाम देशों के प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति रईसी के साथ साथ उन सभी लोगों को अंतिम विदाई दी। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पहुंचे थे। सभी नेताओं ने अपने अपने तरह से इब्राहिम रईसी के साथ साथ सभी लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन जब भारत के उपराष्ट्रपति वहां पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि भारत का अपना तरीका है। भारत अपने खास पारंपरिक अंदाज में भारत ने अपने दोस्त इब्राहिम रईसी के साथ साथ विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान और उनके साथियों को विदाई दी। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ये तस्वीर बेहद वायरल है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को छोड़कर हर कोई वहां आया और खड़ा हो गया क्योंकि ये उनका तरीका था, लेकिन भारत के जब उपराष्ट्रपति वहां पहुंचे तो वहां पहुंचते ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपने दोस्त अपने मित्र देश के उस बड़े कद्दावर नेता को अंतिम विदाई दी। सोशल मीडिया पर जगदीप धनखड़ की तस्वीर बहुत वायरल है, साथ ही साथ लोग भारत की संस्कृति और परंपरा की भी चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त ईरान में शोक का लहर है और भारत ने अपने मित्र देश ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने की बात कही है और भारत में भी इब्राहिम रईसी के मौत पर एक दिवसीय शोक का ऐलान हुआ था और उस दिन सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।